Hello dear children, welcome to my channel Grow Kid Sangeeta Bhattacharya. Today I am going to tell you a short story. The title of the story is Who is Happy? Once a crow looked at a swan and thought how beautiful the swan is. Ek din ek kauwe ko ek hans dikha aur wo socha ki wo kitna sundar hai. She had all white feathers whereas the crow was black. Us hans ke sare white color ke pankh the aur कौवे के पंख ब्लैक कलर के थे, काले रंग के थे। द क्रो एक्सप्रेस्ड हिज थॉट टू द स्वान। कौवा जो था वो अपना विचार, अपना सोच वो हमको हंस को सुनाया। द स्वान रिप्लाइड दैट अकॉर्डिंग टू हर द पैरट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड एज इट हैज टू कलर्स एंड द स्वान हैड जस्ट वन। स्वान ने कहा कि मेरे तो सिर्फ एक ही कलर है, तोता का दो कलर है, ग्रीन एंड रेड। नेक्स्ट द क्रो approached the parrot who simply said that peacock is the most beautiful than him as it is multicolor. अब तोता कहा मुझसे ज्यादा तो मोर सुंदर है क्योंकि उसके तो multicolor है, बहुत सारे कलर है, मेरे तो सिर्फ दो ही रंग है। When the crow expressed his thoughts to the peacock replied, जब वो कौवा जाके मोर को बोला तो बोला वो कि my dear crow, you are the luckiest bird on this planet as you are never kissed. पीकॉक ने बोला, ने कहा, मेरे प्यारे कौवा, तुम सबसे दुनिया के सबसे सौभाग्यशील चिड़िया हो क्योंकि तुम पिंजरे में बंद नहीं हो। Because of my beauty, I am trapped in this cage and you are free. और मेरी इस सुंदरता के चलते ही मैं पिंजरे में बंद हूँ और तुम खुले में हो, आराम से घूम रहे हो। You are free. On hearing this, the crow thought how foolish he had been and thanked God for making him the way he was. फिर कौवे ने भगवान को थैंक्स बोला और सोचा कि मैं कितना बुद्धू हूँ कि मैं इस तरह का सोच रखता हूँ। तो बच्चों, आपको इसका मोरल आपको समझना है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, बी हैप्पी इन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू हैव। तो मोरल क्या है कि कभी भी किसी के साथ अपना कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप जो हैं उसी में आपको खुश होना चाहिए, भगवान की देन है और जो भी उसी चीज पे आपको खुश, हमेशा खुश रहना चाहिए। तो बच्चों, इस स्टोरी को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। बाय बाय।